कैसे भारत को अपने मायाजाल में फंसा रहा है यूएन, सीधे सीधे भारत को लपेटेगा यूएन, अचानक 30 देशों का आक्रमण, यूएन में भीषण तबाही का मंजर, कैसे बचेगा भारत, क्या फिर से होने वाला है भारत को 75 सालों का वनवास, यूएन दे रहा है भारत को तारीख पर तारीख, भड़के भारत ने दे दी भीषण चेतावनी, भारत के क्रोध से भस्म हो जाएगा यूएन, आखिर आर या पार की लड़ाई पर उतर आया भारत, गिरी यूएन पर भारत की गाज, हिंद की गर्जना से मचा हाहाकार, 30 देशों की फौज लेकर दौड़ा भारत, यूएन के खिलाफ भारत की यलगार हो। दोस्तों, वीटो के लिए लड़ाई लड़ रहे भारत के सामने एक ना एक आफत आ ही जाती है। अब भारत के सामने एक ऐसी आफत आन पड़ी है जिसने भारत के वीटो का खेल बिगाड़ देने की पूरी तैयारी कर ली है। इस बार खुद भारत के सामने यूएन पहाड़ बनकर खड़ा हो चुका है। भारत के खिलाफ यूएन की इस भीषण साजिश का खुलासा होते ही तहलका मच गया। ये बात तो हर किसी के समझ से बाहर थी कि कैसे फिर यूएन भारत को 75 साल का वनवास देने वाला है, कैसे यूएन सीधे सीधे भारत को लपेटे में ले रहा है। दोस्तों, आपको बता दें कि बड़े देशों की साजिश ने यूएन में होने वाले रिफॉर्म की मीटिंग को बार बार टाल दिया। फिर एक बार इस साजिश का खुलासा हुआ है और भारत की सरगर्मी इस बात को देखने लायक है। बने रहिए, आपको विस्तार से बताएंगे कि यूएन ने भारत के साथ क्या नौटंकी की है और इसका सबक भारत ने कैसे सिखाया है, कैसे भारत की इस भीषण हुंकार ने यूएन को लोहे के चने चबवा दिए हैं। दोस्तों, इस समय दुनिया में सबसे बड़ी उथल पुथल इसलिए मची हुई है कि भारत ने वीटो को लेकर जंग छेड़ दी है। आए दिन इसी पर नई मीटिंग और हंगामा होता रहता है, लेकिन आज भारत ने दुनिया को दिखा दिया कि हंगामा क्या होता है। अब हंगामा हो भी क्यों ना, क्योंकि इन 5 वीटो देशों ने अपनी करामात से सभी को परेशान कर रखा है। जिसको देखो बिना बात के वीटो लगा देता है। अब भारत के लिए चीन का वीटो जिस तरह गले की फांसी बना हुआ है, ये सब जानते हैं। हर एक कदम पर चीन ने भारत का विरोध किया है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार की मांग कर रहे भारत समेत कई देशों को बड़ा झटका लगा है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अब 25वीं बार सुधारों के लिए बातचीत को अगले सत्र के लिए बढ़ा दिया। एक दो बार नहीं बल्कि 25 बार भारत के सपनों पर पानी फेरा गया। भारत ने इस पर कड़ी चेतावनी भी दी। भारत ने इस पर क्या कुछ कहा है, आपको आगे बताएंगे। इस साजिश से भारत के प्रयासों को झटका भी लगा है। भारत, जापान समेत कई देश सुरक्षा परिषद में सुधार की मांग कर रहे हैं, वहीं पाकिस्तान का गुट इसका विरोध कर रहा है। भारत के इस काम में मुख्य बाधा इटली के नेतृत्व वाले देशों के एक छोटे समूह का विरोध है, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है। अगर हम सुरक्षा परिषद में सुधार के मुद्दे पर ठोस परिणाम देने में विफल रहते हैं तो हम अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा एक और मंच खोजने की संभावना को जोखिम में डालते हैं, जिसके भीतर वो वैकल्पिक समाधान पर पहुंच सकता है। यानी जिन देशों को परेशान किया जा रहा है वो यूएन छोड़ किसी और ग्रुप की तरफ जा सकते हैं और ऐसा होते ही हंगामा शुरू हो जाएगा। L69 दुनिया भर के 30 से अधिक विकासशील देशों का एक समूह है जो यूएन में सुधार के लिए काम कर रहा है। इसी के द्वारा कहा गया है कि सुरक्षा परिषद सुधार पर प्रगति करने में विफलता हमारी विश्वसनीयता और वैधता के लिए एक वास्तविक खतरा बनी हुई है और अप्रत्यक्ष रूप से अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने के तरीके से जमीनी स्तर पर स्थितियों को बदलने में सुरक्षा परिषद की अक्षमता को कायम रखती है। यानी भारत की तरफ से इस बार साफ कर दिया गया है कि जिस तरीके से भारत को आगे बढ़ने से रोका जा रहा है, इस रिफॉर्म को रोका जा रहा है, उससे भारत खुश नहीं। ये साफ साजिश है और यूएन ये बार बार करके ये दिखाना चाहता है कि वो बदलाव के लिए सहमत नहीं। यूएन को बदलाव के लिए सहमत होना ही पड़ेगा। जल्द से जल्द सुधार पर फैसले करने ही होंगे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर यूएन को अंजाम भी भुगतना पड़ेगा। अगर आप रूस की तरफ देखो तो इसी वीटो के बल पर उसने दुनिया में हंगामा मचाया हुआ है, जिसके खिलाफ चाहे युद्ध छेड़ देता है। अमेरिका की पूरी दुनिया पर दादागिरी तो आप देख ही रहे हैं। ब्रिटेन जैसे देशों को भी वीटो दिया गया जो सैकड़ों सालों तक पूरी दुनिया को लूटते रहे, उन पर अत्याचार किया। अगर इन सब को वीटो मिल सकता है तो भारत को क्यों नहीं। अगर आज के समय देखा जाए तो भारत इन सब देशों से ज्यादा लायक है। आज भारत के पास दुनिया की सबसे बड़ी जनसंख्या है, जितनी पूरे यूरोप के पास नहीं होगी। जब पूरी दुनिया की इकोनॉमी मर रही है तो ऐसे समय में एक भारत ही है जो सबसे तेजी से बढ़ रहा है, जिसकी इकोनॉमी सबसे तेज बढ़ रही है। कहा तो ऐसा भी जा रहा है कि आने वाले समय में भारत फिर से इकोनॉमिक पावर बनेगा। अभी ये लिस्ट खत्म नहीं हुई। दुनिया मान चुकी है कि इस समय भारत के पास सबसे ज्यादा मजबूत डिप्लोमेसी है, जो अमेरिका के भी दांत खट्टे कर चुकी है।
इस समय भारत SCO और G20 जैसे सबसे बड़े और मजबूत संगठनों का अध्यक्ष भी है। दुख तो तब होता है जब डेमोक्रेसी का ढोल पीटने वाला यूरोप दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को वीटो नहीं देना चाहता। भारत ने अब तक देश के तौर पर UN को सबसे ज्यादा मदद पहुंचाई, चाहे वो दवा हो या सेना। भारत ने हमेशा UN का खजाना भरे रखा। इन सब चीजों के होने के बावजूद भारत आज स्पेस की महाशक्ति बनने जा रहा है। अगर ताकत के दम पर अनुमान लगाएं तो भारत के पास आज ऐसी फौज है जो विश्व विजय कर सकती है। अगर सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, सबसे बड़ी मिलिट्री पावर, सबसे बड़ी कूटनीतिक ताकत, होने वाली सबसे बड़ी इकोनॉमी, सबसे बड़ी जनसंख्या वाले देश को वीटो नहीं मिलेगा तो आखिर कौन है जिसको भारत से ज्यादा लायक समझा जाए। लेकिन अब चीन और UN दोनों ये समझ चुके हैं कि अब भारत के रास्ते में आना उचित नहीं, क्योंकि ये भारत वो देश नहीं जो अब चीन को छोड़ देगा। यूनाइटेड नेशन से जुदा होने के बाद भारत को पूरी दुनिया में जबरदस्त इमोशनल सपोर्ट मिलेगा। भारत के इशारे पर एक नया संयुक्त राष्ट्र का गठन किया जाएगा, जहां बड़ी ताकतों के साथ भारत की भी बड़ी भागीदारी होगी। और भारत के इसी चाल से परेशान चीन अब धीरे धीरे जयशंकर और मोदी के माइंड गेम को समझने लगा है। इसी वजह से वो संयुक्त राष्ट्र में भारत की शर्तों को मानने के लिए तैयार हो गया। आज भारत के पास साम दाम दंड भेद हर एक तरीके की शक्ति आ चुकी है, लेकिन विश्व गुरु की भूमिका में भारत देश ने अभी तक उंगली टेढ़ी नहीं की। भारत को वीटो की सही ताकत का पता तब चला जब भारत ने परमाणु परीक्षण किया और सारे देश पागल कुत्ते की तरह भारत पर दौड़ पड़े। तब कुछ देशों के साथ भारत ने खुद को संभाला। उसके बाद यह साफ हो चुका था कि वीटो पावर आ जाने के बाद किसी से भी आम को इमली कहलवाया जा सकता है। उसके बाद से भारत ने UNSC में संग्राम शुरू कर दिया। अब भारत का शुरू किया गया ये संग्राम महासंग्राम में बदलने वाला है, यानी भारत ने अब इस युद्ध में तैयारी के साथ उतरने का फैसला ले लिया है। अंतर बस यही होगा कि तूफान की शुरुआत शांति से होती है और इस सुनामी की शुरुआत बड़े चक्रवात से होगी। भारत के लाए इस चक्रवात ने अब चीन और UN को घुमाना शुरू कर दिया है। गुस्साए भारत की दहाड़ ने अब चीन से लेकर अमेरिका सहित UN को भी डराना शुरू कर दिया। दोस्तों, अब आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि क्या आपको ये बातें पहले से पता थी। अगर नहीं तो इनमें से कौन सी बात आपको सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी, और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना ना भूलिएगा। अगर आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें इस वीडियो को, और इसी तरह की और जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।